तो दुर्गा ए अब सीता मैया गौरा जी की पूजा करे जाए लगी, रोज एक माला ले, रोज एक माला बनावे और रोज पूरा कर पूजा करे चली जाए। पूजा करते करते जब सीता मैया पूजा करे जाए, माला डारे और रोज गौरा जी की पूजा करे, मैया हमका पूजा करत मांगे का, चाहे हमरे घर की लड़की बिटिया हो चाहे जी की, जब पूजा करती हूँ अभी नव दुर्गा बढ़ते रहे, पूजा करती हुए और ये बैठी, नमो नमो अम्बे सुकरणी, नमो नमो अम्बे सुकरणी, नमो 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 गन्ना दुखारणी, नमो नमो गौड़ा दुखभरणी, ये जब पूजा करती हुए तो इनके काने में अपन मुंह लगाओ, इनके महिमा कान लगाओ, देखो कहती कहाँ है। तो कहती हैं मैया ना बप्पा कर बने ना भैया बने, हम तुमसे और कुल नहीं मांगे थे ना, ऐसे कहा करते हैं, लेकिन हमका अगर मांगे दो तो जब हमारे बिहाव हो हम नहीं कहे थे ना हो, सीता मैया पूजा करे जाए तो यहाँ ही कहाँ बप्पा का नहीं बनाऊं मैया, हम तुम्हार पूजा करी तो नहीं के मारे कि जब हमार बिहाव होला तो रउआ सुंदर मिल जा। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा करती अधिक अनुरागा, पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनरूप सुभग बरु मांगा। सीता मैया जब पूजा करती है तो यहाँ कहती, पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनरूप सुभग बरु मांगा। बरु माने पति, जैसे हम गोरी गोरी है ना, ऐसे हमार फ्रेंड फ्रेंड गर्ल फ्रेंड मिले। यहाँ कहती कि जब हमारे बिहाव हो तो हमारे तन के मिले, यू नहीं है कि रामा रामा हरे हरे और चना खा रहे फरे फरे। हम नहीं कहे भैया, सीता जी जब पूजा करे जाए तो हियों पर एक रहस्य छिपा है। कितने दिन सीता जी का पूजा करत करत होगा, जगदीश रामायण पढ़ के देखना, 5 साल 5 महीना 22 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 साल 5 महीना 22 दिन हो गए सीता जी को पूजा करत कर, लेकिन गौरा जी प्रसन्न नहीं भई। गौरा जी सीता जी पर बहुत नाराज हैं। अब इसका कारण हम जरूर बताए 2 मिनट हम, कि गौरा जी सीता जी को जब देखती हैं, सीता जी बहुत पूजा करती हैं, बहुत विनती करती। अच्छा गौरा जी का मनावे के चौपाई सुन लो बहनों, लिख लो चौपाई, गौरा जी को मनावे वाली सीता मैया कौन कौन चौपाई पढ़ती थी सुन लो। जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्या चौपाई हो गए द्वासर? जय गज बदन खड़ानन माता, तुम गणेश की अम्मा हो, खड़ानन की अम्मा हो। लेकिन सीता जी सोचिन अगर गणेश केरी अम्मा का यहाँ कह दियाब तो मैया जी बन गई सीमा मैया, कि जब गणेश केरी अम्मा कान, जब गणेश केरी अम्मा न तो गणेश केरी अम्मा बनब, तुम्हारी अम्मा कहे बनी। तो सीता मैया सोचन गड़बड़ाएगा, तो पहले कहें जय गज बदन खड़ानन माता, ना 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 ना, जगत जननी दामिनी दूति गाता, बदन खड़ानन माता, और तक कहला कि अम्मक सीमम नहीं बांधा, जगत जननी सारे संसार की अम्मा हो। और फिर आगे बढ़ाई, मैया हम तुमसे कहा कही, नहीं तब आदि मादि अवसाना, प्रभाव वेद
नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारणी और विश्व विमोहन सोबस बिहारी। सीता जी यू पूजा करत करत 5 साल 5 महीना 22 दिन बिताए थी और गौरा जी खुश नहीं भई। गौरा जी काहे ने खुश भई इका उत्तर सुन लो बहने हो सकत भैया लोगो तुम्हारे काम आवे। गौरा जी काहे ने खुश भई मालूम सीता जी पर गौरा जी नाराज है सीता याद करो वा बतिया की जब हमको पति दिखाए रहो ला ला ला। गौरा जी कहती है कि वह तो तुम आयो कि जब हम तुम्हारे द्वारे आज सीता जी गौरा जी से भीख मांग रही हैं और एक दिन गौरा जी गई रहा सीता जी के द्वारे पर भीख मांगे यह कहते हैं कबहु लड़िया नाव पर और कबहु नाव लड़ी पर। आज तुम हमारे द्वारे कुछ मांगे आयो तो कल हम तुम्हारे द्वारे मांगे यह कहते हैं कि बात कहो सोच समझ का भले देर होई गली चले राह राह भले फेर होई। आज तुम्हारे द्वारे हम साइकिल मांगे आए तुम उठे के मारे लपद मना कर दो साइकिल नहीं है हवा हाँ ले जाओ भैया नहीं मिल पाए साइकिल तो कल तुम्हू तो सेढ़ी मांगे हो तब तुम्हू मुंह बनाई हो। तो गौरा जी कबई रहा सीता जी के द्वारे पर भीख मांगे आओ सुन लो यह बात गौरा जी सीता जी का वरदान देने से मना कर रही और यहाँ पर हनुमान जी का फिर सहयोग रही। तो सुन लो एक बार की बात उस समय गौरा मैया कौनी थी भगवान शंकर के साथ सुशोभित थी इनका नाम था पार्वती और ये जो सीता है ये थी लक्ष्मी। ये थी लक्ष्मी मैया भगवान विष्णु के साथ। तो एक दिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहा लगी भोले बाबा से भगवान विष्णु से कहा लगी प्रभु बहुत दिन हो गई लेकिन अपनी बहनी गौरा जी का नहीं मिलेगन। भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी जी से कहा देवी हम कब कहा कि तुम गौरा जी का मिले न जाओ। तो लक्ष्मी मैया खूब श्रृंगार किया और श्रृंगार कहके कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन राम हृदय गुन। जब लक्ष्मी जी चलती रहे तो 2.5 किलोमीटर से न झम झम के आवाज आवत रहे सुनी 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 बिछुआ की झनकार। जब लक्ष्मी जी चलती रहे तो 2.5 किलोमीटर से न आवाज आवत रहा झम झम। तो लक्ष्मी जी गौरा जी के यहाँ पर मिले चली। और एक बात और है जी के घर नहीं बना होते है भैया मड़ाहा परा होत तो पहले है हाँ जो भैया यह है मड़ाहा है ये हम लड़का बच्चा रहते हैं और ये हम भैया गुजारा करते हैं। और जी के बड़ा घर बना हो तो भैया BAP वो पकड़े दखौरा तुम्हारा पहले पूरे घर भर हम दौड़ी तुमका देखे यू किचन हुआ यू बाथरूम आए यू खाना वाला यू भूसा वाला यू अंडा वाला यू भैंसिन वाला लड़का वाला बहुरिया वाला यू जहर खाए वाला यू मरे वाला सब कमरा देखई और एक बात तुमका स्टूल पर बैठई और अत्ता खबहा देखई खाए बद के खबहा देखई हवे अलग बात खबहा देखई से मन से यू जहरू आए हम तो लखनऊ में जाते हैं सहारन में यहाँ तो यहाँ होते हैं पकड़े डखौरा बाबा यहाँ देख लो बाबा यहाँ देख लो बाबा यहाँ देख लो और आखिर खबहा देखाओ खाए बद के तो हम कहना कान में डार दो काम खत्म करो अरे लाओ किलो खाण नमकीन तो खाई हो काम देखाई। ए लक्ष्मी जी गौरा जी के यहाँ गई तो गौरा जी बैठी कहाँ बरगद खा ले उनके घर तो रहे नहीं। तो जब गौरा जी के वहाँ गई तो लक्ष्मी जी गौरा जी से लक्ष्मी जी कहाँ लगी बहनी घर कहाँ है। तो गौरा जी रोवे लगी कहाँ लगी बहनी घर की बात करती हो हमारे घर है नहीं है। और जब बुढ़ा उस कहे घर बनवा ले घर बनवा ला घर बनवा ला रुआ घर बनवा ला तो हमसे कहते हैं हम फकरदम सन्यासी चाहे रहे मथुरम चाहे रहे काशी फकीरों से ही उन्हें पूछो कहाँ है घर उनका जहाँ धोनी रमाले वहा है घर उनका तो हमरे घर नहीं खे अने हमरे घर है नहीं। लक्ष्मी जी बड़ा उदास भई हाय बहनी हाय दादा
हाय देखो यू लव स्टोरी भी हाँ के रही आए ना था अम्मा बप्पा अगर बिहाव करें तो लड़का भले सांवल होई लेकिन लड़की के यहाँ हाली दुख न होई जमीन कारण पर खतौनी में देख के बिहाव होई घर देख होई कत्ता कहाँ है और जो को एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए जब गए तो मरहम नहीं मिला तो मरहम की जगह पर मरी भोले बाबा के और पार्वती जी का विवाह भरा लव स्टोरी और एक होते विवाह और एक होते ब्याह तो विवाह विवाह और ब्याह में अंतर है राम जी का भवर है विवाह और शंकर जी का भवर है ब्याह विवाह और ब्याह में अंतर है भैया पार्वती जी कह लगी जब जब कहत घर बनवा लियो तब तब ही कहत घर नहीं बनवाए घर बनवाए तो कहा करब तो लक्ष्मी जी कह लगी रो ना बहनी हम यह बदयागे मिले तुम चिंता ना करो कल तुम हमारे घर का आयो हमारे घर आए आयो देखे भाई कत्ता बढ़िया घर बना है ये कत्ता बढ़िया घर बना है सब देखो ठाढ़ी है रामा देवी लखमा देवी हैं सब जनी बैठी हैं आयो देखो है हमारे घर कत्ता बढ़िया बना है और हम तुमका देह दी थे न्योता कल ले आयो तुमका आता हम पैसा धन दौलत दे दिया अब कि घरों बनवा लिया हो और कुछ बैंकों बैलेंस हो जाई हैं और बढ़िया सूखा राहत हम जमा हो जी पैसा लक्ष्मी जी से गौरा कहला कि ठीक है बहनी अब आए तो लेकिन बिगिर भोले बाबा की सलाह से नहीं आए जब आदेश है तब है ना लक्ष्मी जी न्योता दे के चली गई समझ ले हो भैया अब लक्ष्मी जी न्योता दे के चली गई और ऐसी भोले बाबा संजय तपस्या कई कह आए साम भई शंभो घर आए साम भई शंभो घर आए साम भई अन बन लखी अन बन लखी गौ रात को पाए अन बन लखी गौ शाम हो गए भोले बाबा आए और आदमी बाहर से घूम कावे ए द्वारे पर झाड़ू लाग हो बढ़िया घर के अंदर जाओ सब बर्तन गेरे होए लाइन से नहीं और चूल्हा पर का जो कुकर होते हैं वो सिटिया देत हो आओ निकालो खाओ सुओ पत्नी डेंट पेंट मिले लड़का लड़िया का धुरा काजल लगाए मिले बढ़िया जींस टॉप पहरे तो जान जाओ कि घर में कोई दिक्कत नहीं है और पता लग दुआरे भन्न भन माछी जगती घर भर में बर्तन फुलेहरी कस बिद गए परे लड़का सब लेहे लेहे कटोरिया अम्मा गुड़ रोटी और बीबी सुपर खा के नानी बनी घूमती हो तो अगर इज्जत चाहो तो लौट जाओ नया उतर आओ तो शीछा लियादर हुई घर में भोले बाबा जब आए तो गौरा मैया बहुत प्यार से मिली और एक बात बताई आदमी बाहर से आवे जी की पत्नी गुस्साए के यहाँ बोले समझ लियो जी की पत्नी गुस्साए के यहाँ बोले कहाँ रहो का बात तुम्हारा दिमाग खराब का परो करवा है धोती नहीं लाए हो तुम का करवा गबड़ दिया
तो पत्नी के यहाँ भैया गुस्सायो ना, ये जान जाओ कि पूरा घर लीपिन है, आज बड़ी मेहनत कीन है, आज घर से मौका नहीं पहन बाहर जाग ते हमारे गुस्साती। और जब आदमी बाहर से जावे मार मीठ मीठ बोले लगे संतरा का सर, कहाँ रहो के कहाँ रहो तुम कहाँ रहो, तो यू जान जाओ कि अब बहन चौधरी कह के गाँव भर से आई हैं अब है, अब है दिन भर खूब घूमने हैं, अब है ते हमारे मीठ मीठ बोलती हैं है ना। ए रोज तुमसे ना बोलती हो, एक दिन तुम कपड़ा पहनत हो दौरी का बटन बंद कर भाई, भूषण के कालर सुध रखाओ भाई, इतना पहरा करो भाई, इतना शाहरुख खान लागत हो, तो यू जान जाओ कालर नहीं सुधरती हैं, या तो जीजा खुआ जवैया है न्यौता खाए, और या तो 3000 के रही पहले ले भैया। कुछ जनी कहती हूँ मरीगो सब भेद खुआ लती हो हमार का, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। हसके बोले नारी ढीले हाथ कुदारी, हसके मांगो दम्मा तीनों काम निकम्मा, औरत हसके बोले खतरा। भैया शाम के यहाँ जब भोले बाबा आए तो गौरा मैया कहाँ लगी, कहाँ लगी भोले बाबा आए यो, भोले बाबा बोले कहा मतलब है। अब गौरा मैया ने भोजन बनाया बढ़िया प्रसाद अरसाद खवाया पियाया, जब शाम के यहाँ सेवा करे के नंबर वावा, जब सेवा करे के नंबर वावा तो पार्वती जी भोले बाबा से कहा लगी भोले बाबा आज लक्ष्मी आई रहा है। भगवान बोले शिव जी बोले लक्ष्मी आई रहा है, हाँ आज लक्ष्मी मैया आई रहा है और हमसे कहना है कि कल हमरे घर का आयो तो अत्ता तुमका दौलत पैसा दे दिया कि सालन चुकी नहीं। ए भगवान शिव ने कहा खबरदार, यह तो बात रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीवो, अरे रूखा सूखा खाई के अरे ठंडा पानी पीवो, अरे देख परारी चूपड़ी मत ललचावे जीओ, दूसरे की धन दौलत पर कोई भरोसा ना करो। और देवी अगर न्योता दे गई रहा तो का कहना कि आयो धन दौलत ले जायो। जब भोले बाबा गुस्सा आएगे तो गौरा जी मारी न्यूटल हो गए। ए अम्मा लोग हमरी देखो यो संजक कहा के ए जीजन मिसकाल मारे ना है, कहना न्योते मायो। और अगर आदमी हंस के बोल दे तो तुरंत जाबे वहां यू न जाने नहीं जाबे, हां जीजा के फोन आवा कोई तमाता ना आया। और जो वही हनके बोल दे के जीजन के फोन आवा रह के का करी, तो जो का जीजे फोन आ रहे जीजा जी नॉन नॉन का डरब तब मार बरिगा कहन तो देन का कोई जात है का। भोले बाबा ने जैसे डांटा पार्वती को का खबरदार न्योता रहे तो का न्योता दे गई, कोई कह रहे धन दौलत पर सहारा कर चाहिए। गौरा मैया रोवे लगी कहा लगी तो हम कहन देहन के हम जयित रह, यू तो नहीं हम जयित रहन, हाँ कहन तो हम कह दिया। नाम बोल दे कुछ दानियों ने दान दिया 100 रुपया मुन्ना मौर्या भैया बझवा से, और 100 रुपया रोहित सिंह भैया हमारे ये ओयल से, और 121 रुपया सूरज पाल राठौर महेवा से, 151 रुपया रजनीश वर्मा और बाबूजी महेवा से, 51 रुपया ओम सिंह भैया महेवा से, 100 रुपया अतुल सिंह भैया चौबिरवा से, और 101 रुपया अनिल सिंह भैया हमारे चौबिरवा से, और 51 रुपया अनूप सिंह भैया बरातपुर से, 100 रुपया काशी राम और भैया महेवा से, 251 रुपया जगत पाल सिंह भैया महेवा से, 151 रुपया हरीश सिंह भैया महेवा से,
और 200 रुपया शिव कुमार वर्मा भैया महेवा से, 100 रुपया संदीप वर्मा भैया महेवा से, 51 रुपया कपिल भैया उदयपुर से, 500 रुपया ये सेवेंद्र सिंह भैया हमारे बंजरिया से भगवान के छोड़ो मैदान। एक बार जय कारा बोलो भगवान की कृपा बरसे। प्रेम स्वरूप बांके बिहारी भगवान की। तो अब लक्ष्मी मैया से भगवान भगवान शिव ने गौरा से कहा तो गौरा जी कह लगी तो जई कि ना जई। भोले बाबा कह लग देवी अगर जायो तो एक बात सुन लो हो। भोले बाबा ने क्या किया समझ लो भैया। भोले बाबा ने अपने ए देवी धन दौलत लायो तो ज्यादा ना लायो। अगर देवो करें तो धन दौलत वत्ती ना लायो। बहुत आदमी ऐसे हैं जो कर्जा ले वर से आता ही नहीं। कुछ अम्मा लोग देखे भैया जो आप पसेरी भर कोई आटा सखल ले और उनकी बोरियम देख लेने आई पसेरी भर और दे दो। ऐसा होत के नहीं होत। ए भोले बाबा ने क्या किया अपने शरीर में यहाँ रगड़ा और रगड़ी कहीं यहाँ मैल छूट और मैल छूट कहीं यहाँ और यहाँ का पुरिया बना दीन। और भोले बाबा कहला देवी अगर लक्ष्मी जी तुमका धन दौलत देबो करे तो ये पुरिया के रे ऊपर दौलत ना लायो। ये पुरिया के बराबर लायो। तब गौरा जी मारे गुस्सा आ गई जाबो करी इंसान औलादी आओ लई बरिगा का ही पुरिया में का होती मकुम ढेर हो जाइए। लेकिन गौरा जी लैलिहन पुरिया और चलती चलती पहुंच गए लक्ष्मी जी के यहाँ। ये बात कर उदाहरण आए हम दे रहे हैं कि जो गौ सीता जी पूजा कर रही 5 साल 5 महीना 22 दिन हो गए लेकिन गौरा जी कोई वरदान सीता जी को नहीं दे रही। गौरा जी धीरे धीरे चलती चलती लक्ष्मी जी के वहाँ पहुंच गई। बड़ा सम्मान की बड़ा घर वर दिखाई देखो बहने यू घर हमारा है बढ़िया देखो कत्ता बढ़िया एंट पेंट डेंट वेंट ट्रीटमेंट बना है। गौरा जी कहा लगे हाँ बहनी तुम्हार तो बना है हमार तो बना ही नहीं है। अच्छा लक्ष्मी जी कहा लगी के बहनी ए हाँ वो तुमका न्योता दे रहा कुछ धन दौलत रुपया पैसा ले जाए खातिन तो यू बताओ ए कुछ लादे खातिन लई हो। तब गौरा जी कहा लगी लई का बहनी हमार भोले बाबा बुढ़ऊ का है लग कि पुरिया के रे ऊपर लायो ना तो ये पुरिया भर दई दे बहनी और बस और का है। लक्ष्मी जी मार गुर्राए गई जितने की आओ है कितो रही हो जितने की आओ है कितो रही हो अगर रखा भैया मटरा पाइन गाऊ का ना तो वही नहीं पुरिया में हमारा ढेर हो जाए। लक्ष्मी जी का अहंकार हो कि पुरिया में यहाँ कत्ता चढ़ी जाए लेकिन त्याव तौले को लक्ष्मी जी तुरंत पलरा मंगवा ली। भैया मंगवा लिया पलरा तो गौरा जी ने उस पलरे में पुरिया रख दिया और एक पलरा में लक्ष्मी जी सोना चांदी रख लागी। समझ लेना भैया अब लक्ष्मी जी वही पलरम सोना चांदी इमा खाली पुरिया। लक्ष्मी जी जतना खजाना में यहाँ सोना चांदी रहा है सब चढ़ाए दिन लेकिन भैया वह पुरिया टस मत सुनाई भाई भैया। आखिरी में यहाँ लक्ष्मी जी यहाँ तक रहा कि अपने शरीर पर का जो नकबुल्ला और न और लालटेन और बुलाका और कुकुर मोता जो कुछ पहरे रहा सब नोच घसोट के धर देने लेकिन तबहुत समस्त पुरिया नहीं भय हिया तक रहा कि पारस बटिया उठा लई पलरम धर दिन। और गौरा जी बड़ा गलगल पिसना पिसावा जाते हो देखो 51 किलो तुम्हारा पिसना है करदा कटी नहीं वो चाहे चक्की वाला चाहे जहां दे तुमका 51 किलो दी और लियाहो तो 51 किलो ज्यादा तो लियाहो नहीं तो जब तौले लागत है जो वो पिसना निकारे भाई ज्यादा है तो निकाल लेवे करी तो निकारे लागत तो मार करिए जो खींचा लागत ये निकारे लेती निकारे लेती ये निकारे भाई तुम कहीं 51 किलो चाहिए ना तो निकारे लेते। और जो कहो तनु कम होए डारो आए दे ही तो है लेकिन पहले डारो कम है डारो आए। लक्ष्मी जी ए गौरा जी बड़ा खुश आहा अत्ते दिन पहिरू तुम अत्ते दिन पहिरा भाम या पुरिया बड़े काम की है वो। अब गौरा जी बड़ा खुश ए भैया। अब लक्ष्मी जी घबराए गई कबो कहो अम्मा लोग धोखा खा जाती देखे हो जैसे गई नातेदार कोई बैठे कहीं बहनी आज वो आटा नहीं अरे तुम आटा हमारे घर से ला चलो तुम कौन कमी ले हो उनके लड़का ब्याह कर रहे ना आटा हमारे घर में देखो चलो कतना धर रहा आटा ले जाओ
अब आटा ले पहुंच गई, सही थी मारा आटा पौन ही पसेरी निकरा। तो अब पूर कराए खातिन, इज्जत बचावे खातिन, कुछ माताएं बहनी गांव में होती हैं चौकरा धकिया देती। सही है, कहती चौकरा दे दो आटा मिल जाई। लेकिन ए अगर होशियार हैं अम्मा लोग तो बहुत ही जो चौकरा गबड़ दे देती तो वो चौकरा चालिन, और जब वो दे गई तो वो अम्मा कह रहा और चौकरा गबड़ को नहीं फिर धकिया दे कहीं हाँ। और जो पुछबो के बहनी तो मरे आटा में यहाँ बहुत चौकरा निकला, तो कहा कहती मरीगा चक्की वाला आए मोट मोट पीस दीस रहे, और यू नहीं कहें कि बोरिया भरे क्या चौकरा तो मरे धकिया दे। हम बकाई थे ना यू सब हम देखे थे अंत माता।